हिरन अकेले यहाँ पे खड़े रहता है, लेकिन मुरली आ जाती है उसको अपने शिकार बनाने के लिए। इसको पहले से घायल करके रख चुका है उसके वजह से, उसके गर्दन को पकड़ने की कोशिश करता है ये लोमड़ी। हिरन कमजोर हो चुका है उसके सामने, उसके वजह से इसको पटक देता है लोमड़ी, उसके गर्दन को पकड़ के वहाँ पे उसके कान को पकड़ा हुआ है ये। इधर उधर फड़फड़ाने लगता है हिरन अपने आप को छुड़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पे काफी घायल हो चुका है ये, मरने के कगार में आ चुका है लोमड़ी। उसको अपने शिकार